नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे स्त्री और पुरुष के संबंध के विषय में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तो अपने योग बल से जीवों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने देखा इस विधि से अगर सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में काफ़ी समय लग जाएगा। ब्रह्मा जी की इस समस्या का हल भगवान शिव ने निकाला और अपने तेज से एक स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि के विकास की व्यवस्था की। इस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से संसार का विकास हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस व्यवस्था के तहत स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब संतान प्राप्ति की इच्छा हो। स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं है। प्रकृति में इस नियम का पालन सभी जीव जंतु करते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि उन दिनों संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष संबंध बनाते थे। अन्य समय में मित्रवत रहते हुए पति पत्नी सामाजिक जीवन का निर्वाह करते थे। आज से करीब 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई थी। इस ग्रंथ में स्त्री और पुरुषों के संबंध को लेकर कुछ नियमों का जिक्र किया गया है। इन नियमों में मासिक धर्म में स्त्री और पुरुष के संबंध की नई की गई है। साथ ही बताया गया है कि स्त्री और पुरुषों को काम भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए और अतिशय संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति करीब 4000 साल पहले लिखी गई थी। उस समय से लेकर अब तक विज्ञान ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें गर्भ निरोध के कई उपाय भी शामिल हैं। संभव है कि उन दिनों जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के कारगर उपाय नहीं रहे होंगे, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए यह नियम बनाया गया हो। वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान कहता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं है, संबंध बनाने से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में मनुस्मृति और आधुनिक विज्ञान का मत दो दिशाओं में लेके जाता है। तो मित्रों, आप ही तय करिए कि आप किस ओर जाना चाहेंगे और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।